नमस्कार, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आज अखिल भारतीय अब्बासी विकास एवं कल्याणकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अब्बासी के कार्यालय पर मुस्लिम समाज की शिक्षा और समानता में भागीदारी के समाधान में एक बैठक की गई, जिसमें अब्बासी समाज के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया व अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें मुस्लिम समाज के मुख्य रूप से सदीक अब्बास, लियाकत अब्बासी, इद्रीस अब्बासी, नासिर अब्बासी, शौकत अब्बासी, बसपा पार्षद लाल अब्बास, पप्पू अब्बासी, इमरान अब्बासी, समीर अब्बासी, सनवर अब्बासी, नसीर अब्बासी, मास्टर सदीक, यामीन सलामुद्दीन, फरमान फारूक ने तथा समाज के सभी गणमान्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए सलामुद्दीन की खास रिपोर्ट। मैं उस्मान अब्बास, प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ ऑल इंडिया अब्बासी डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन का। और चूंकि अब ये दौर इलेक्शनों का आने वाला है, सब लोग अपने अपनी रोटियां भी सेकते हैं, और यही कहा जाता है देश के अंदर मुसलमानों के लिए कि मुसलमान सत्ता में भागीदारी नहीं करते। और हकीकत बात यह है कि हमें कोई अपने साथ रखना नहीं चाहता। मुसलमान को अलग थलग कर दिया गया है हर पार्टियों ने। कोई भी पार्टी मुस्लिम को सिर्फ यूज़ तो करती है लेकिन देती कुछ नहीं है। लेकिन इसी पर्पज़ से आज हम लोग, ये बुद्धिजीवी इकट्ठे, मुस्लिम समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम लोग इसकी शुरुआत आगरा से करना चाहते हैं और इस अपनी बात को दूर तक हर पार्टी पॉलिटिक्स में अपनी बात को ये पहुँचा देना चाहते हैं कि अब हमें जहाँ से जो कुछ मिलेगा हम उसी के साथ रहेंगे। अब मुस्लिम समाज बचने वाला नहीं है, क्योंकि जब जब इलेक्शन होता है हमें लॉलीपॉप दे दिया जाता है, मिलता कुछ नहीं है। चाहे वो प्रदेश स्तर पे हो, चाहे शहर स्तर पे हो, चाहे देश स्तर पे हो, हमें यूज तो किया जाता है। हम लोग आज की तारीख में शिक्षा से बड़े पिछड़े हुए हैं। तो यही सी मकसद के तहत हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और यही संदेश हम आपके मीडिया के चैनल के द्वारा देना चाहते हैं। धन्यवाद। आज मुस्लिम समाज एकत्रित हुआ है कि किस मुद्दे पर और क्या विचार अपने रखने चाहते हैं, इसके बारे में आज के मुस्लिम समाज के, खासकर अब्बाई समाज के ज़्यादा लोग मौजूद हैं। अब्बाई समाज की जागरूकता के लिए तालीम, तजीब, तजारत की दृष्टियों में जो हमारा समाज पिछली पंक्ति में जाने खड़ा हो जाए, उसकी एक रूपरेखा तैयार कराने के लिए हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और जिस तरीके से हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, इन सभी की आपस में बैठ करके मशवरा करिए कि समाज को आगे कैसे बढ़ाना है। राजनीतिक चेतना जगाने के लिए आज राजनीतिक के अंदर सर समाज का कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेतृत्व करने वाला है, और हर जगह किसी ना किसी समाज का विधायक भी है और सांसद भी है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोर्टफोलियो, कोई ना कोई पोर्टफोलियो किसी ना किसी पार्टी का मिला हुआ है। कोई शहर अध्यक्ष है, कोई जिला अध्यक्ष है, हर समाज का कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेतृत्व करने वाला है। लेकिन हमारे अब्बाई समाज के लिए कोई भी नेतृत्व करने वाला नहीं है। इसी बात को लेकर के हम सभी लोग, अब्बाई समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचे। जिन जिन पार्टियों में हमारे लोग काम कर रहे हैं उस पार्टियों के अंदर एक वजूद होना चाहिए और एक नेता पैदा होना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। जैसे आपने कहा हम अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं जी, आवाज़ कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, किस जगह पहुँचाना चाहते हैं? हमारी आवाज़ इस देश के हर उस राजनीतिक दल में पहुँचनी चाहिए, क्योंकि हमारे लोग हर पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, विभिन्न विभिन्न तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। लेकिन आज जब हमने देखा कि सारी जातियों के लोग इकट्ठा होकर अपने अपने समाज का भला करने में लगे हैं, तो हम लोगों ने ये सोचा क्यों ना हम अपने समाज को इकट्ठा करके एक वजूद बना करके किसी पार्टी का काम करें। तो अभी हम मतगणना करने के बाद इस बात पर विचार करेंगे हमें करना क्या है। मैं बाहर चाहता था पार्षद हूँ बराबर कर लिए। तो आज अखिल भारतीय अब्बासी विकास पंच की तरफ से मीटिंग रखी गई है, ये किस मकसद से और क्यों रखी गई है, इसके बारे में जानकारी दें जी। मीटिंग हमारी अक्सर रखी जाती है, इस बार चुनाव का ये दौर आया है उसको देखते हुए समाज के बुद्धिजीवी लोग इकट्ठे हुए हैं कि चुनाव में हम कैसे भागीदारी अपनी दर्ज कराएं। आने वाला जो देश जिस स्थिति में जा रहा है, जब तक मुस्लिम समाज अपना वोट सही दल को सही कैंडिडेट में नहीं डालेगा, जब तक देश का भला नहीं होगा।
जैसे मुस्लिम दल अभी आपने कहा सही दल को वोट डालेगा, ऐसा सही दल कौन सा? अब सही दल तो इस टाइम देश में राजनीति चल रही है उससे तो हटके जितने भी दल हैं उससे भी दल बढ़िया है, पर उसी पर विचार करके अपने समाज के लोगों को जागरूक कर दिया जाएगा, उसी ऐसे कैंडिडेट को वोट डाल दिया जाएगा जिससे कि समाज का उद्धार भी हो और देश का भी उद्धार आएगा।